नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo S19 Pro 5G वर्सेस Poco F6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S19 Pro में 6.46 इंच जबकि F6 Pro में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि S19 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.95 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो S19 Pro में 0.3 इंच जबकि F6 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि S19 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो S19 Pro में 192 ग्राम जबकि F6 Pro में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि S19 Pro से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो S19 Pro में AMOLED जबकि F6 Pro में Flow AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S19 Pro में 6.78 इंचेस जबकि F6 Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन S19 Pro में 1260x2800px FHD+ और F6 Pro में 1440x3200px QHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S19 Pro में 90.23% जबकि F6 Pro में 89.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S19 Pro में 453 पिक्सल प्रति इंच जबकि F6 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S19 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और F6 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S19 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F6 Pro की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S19 Pro में Immortalized G715MC11 जबकि F6 Pro में Adreno 740 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S19 Pro में MediaTek Dimensity 9200 Plus और F6 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है। बात करें रैम की तो S19 Pro में 8GB जबकि F6 Pro में 12GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी S19 Pro में 5500 mAh जबकि F6 Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो S19 Pro में 3 कलर्स जबकि F6 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो S19 Pro 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 35,700 रुपीस में मिल जाता है और बात करें F6 Pro की तो वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 40,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
Vivo S19 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Poco F6 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F6 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में S19 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F25 Pro 5G है, दूसरा Nothing Phone 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A55 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।